चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले तो भाई 1-1.5 महीना चल जाते हैं, अब जब 15 दिन में खत्म हो रहा है क्यों आधे तो गेहूँ वही काटता है मशीन कंपैन। मजदूर भूखा मरने का टाइम आ रहा है, मजदूर का मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, घर पे खड़े कर देंगे, सीजन पे ही काम आएगी। गेहूँ का रेट तो भारत सरकार का हमारे यूपी में 2015 ही है। अब बिजली वाले नहीं रड़क छोड़ रहे, हाँ सही कह रहे, खार वाले नहीं छोड़ रहे, जो दुकान पे चले जाए मैं दवाओं में साढ़े की दुगनी महंगी दे मारते। गाने वाने बजाया करो यार, तुम जैसे खेत में काम करो। आप कब से मतलब हर साल ये गेहूं कटाई का काम करते हो, तो क्या मिलता है इसमें, क्या मजदूरी पड़ जाती है आपको इसमें? ये कोई 10 धड़ी पड़ जा रहा है। ये किस 10 धड़ी कितने पे मिलता है, कितनी कटाई करने पे? 1 बीघे पे। 1 बीघा पे तो। और आप ये सीजन में कितना गेहूं काट देते हो? बस सीजन में भाई हूँ तो काटता मतलब 20 बीघे काटता आराम था नॉर्मल से। अब मशीनें आ गई है गेहूँ कटाई की भी, तो आपकी मजदूरी पर फर्क पड़ा है इन मशीनों से? पहले तो भाई 1-1.5 महीना चल जाते हैं, अब जब 15 दिन में खत्म हो रहा है क्यों आधे तो गेहूँ वही काटता है मशीन कंपैन। आप जैसे और भी मजदूर होंगे गांव में आसपास? हाँ बतेरे हैं मेरे भाई। तो उनकी जीवन कुछ बदला है पिछले 10 सालों में 5 सालों में? नहीं भाई, आधे तो फैक्ट्रियों में लग गए, पढ़े लिखे भी लुंडे। कहाँ के आप रहने वाले हैं वैसे? राजस्थान भरतपुर जिले में। तो ये जो आपकी मशीन है थ्रेसिंग मशीन है, कितना खर्चा आ जावे इसको बनाने में? करीबन आ जाए 3 लाख से लेके 4 लाख थोड़ी। सीजन का काम होता है गेहूं कटाई का, गेहूं थ्रेसिंग का, डीजल की मार पड़ती पड़ी है आपको इस बार? महंगा हो गया है जैसे इतना? तो महंगा तो हो गया, 100 रुपये लीटर डीजल ले रहे थे, सस्ता है, महंगा ही है। तो पहले वाली बचत हो रही है आपको इस सीजन में? जैसे ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा इन मशीनों का? कुछ नहीं होगा, घर पे खड़े कर देंगे, सीजन पे ही काम आएगी। कोई व्यवस्था करती है आप जैसे? हां सरकार की व्यवस्था, कुछ नहीं सरकार, कोई लोन वगैरह कुछ नहीं, कोई भी नहीं ऑप्शन। कितने साल हो गए आप सीजन वाइज काम करते हो? सीजन वाइज 30 साल हो गए। 30 साल। तो क्या आपको लगता है घर के लिए वो मजदूरी पड़ जाती है आज के समय में? बस मजदूरी तो इतनी है नहीं, बहुत कम मजदूरी है। ये मशीनें भी आ गई है, कैंपेन मशीनें आ गई है, आपके काम पे फर्क पड़ेगा उसका? हाँ फर्क तो ही पड़ेगा भाई, कंपेन का तो फर्क पड़ ही रहा, मजदूर भूखा मरने का टाइम आ रहा, मजदूर का मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, गेहूँ की जैसे ये सीजन वाइज ये तो फसल होती है इस तरह की, तो इसमें खतरा भी होता होगा मशीन पे, जैसे आप कह रहे हैं आप मूठ लाने का देखा करना पड़े बहुत, तो उनके लिए कुछ मुआवजा कुछ मिलता है अगर ऐसा किसान मजदूर के साथ हो?
जैसे गेहूं की फसल है, इसमें क्या अंतर लगा आपको पिछले कई सालों में? पीछे तो हुए थे 4.5 क्विंटल का बीघा, अरीब के हो रहे 3 का, 1.5 क्विंटल बाज गया बीघे के, तो ये नुकसान हुआ इस बार। हाँ, ये नुकसान है। क्या बदलाव आया है पिछले 10-15 सालों में खेती किसानी में? बदलाव तो यू है, बिजली वाले नहीं रड़क छोड़ रहे, खार वाले नहीं छोड़ रहे, जो दुकान पे चले जाए दवाओं में साढ़े की दुगनी महंगी दे मारते। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये दिक्कत तो यह है, जैसा योगी ने कहा था कि जनवरी इस जनवरी तक आधा बिल कर दिया, बिजली वाले हो गया डरे हमारे पास 24,000 टेक रखे कि वही चक्रवर्ती ब्याज लग गया था भाई, बारी माँ होंगे ना खत्म कर। ओ भाई अरे कट्टा पेट गए तो रे बार गेहूं बिक्री केंद्र पर क्या स्थिति है केंद्रों की जिला शामली में, और आपके केंद्र की क्या स्थिति, किस तरह गेहूं आ रहा है? देखो अभी तक जो हमारे यहाँ से इस सेंटर पे जो गेहूं आ रहा है लगातार, वैसे कुछ यहाँ से सरकार की भी ढिलाई रही अधिकारियों की भी कि यहाँ दे मशीन से जो है POS मशीन जो है यहाँ देर से पाई POS मशीन जिसे कहें गुंटा लगाने वाली, कि यहाँ 8 सेंटरों पर मशीन कम देर से आई, इसका भी थोड़ा सा विलम्ब रहा। यहाँ जिले में इस सेंटर का प्रथम स्थान रहता था गेहूँ खरीद में। तो क्या कारण क्या है इस बार? कारण इस बार ये है कि अब पहले 2 वर्षों से लॉकडाउन रहा है था, और रास्ता जाने के लिए हरियाणा, जैसे हरियाणा है और प्रदेश है वहाँ भार माल नहीं ले जा रहा था, इस वर्ष जो है मंडियों में भार भी माल जा रहा है, तो इस वजह से इस सेंटर की थोड़ी सी स्थिति डाउन है। किसान अब जहाँ पर कर्जा ले लेता है मंडियों से आढ़तियों से, वो मंडी वाले जो आढ़ती जो है वे किसानों को पर दबाव बना है, वे अपना माल को वहाँ से अपने पैसा उगाने के चक्कर में वहाँ पर ले जा रहे किसान। क्या रेट है गेहूं का? गेहूं का रेट तो भारत सरकार का हमारे यूपी में 2015 ही है। आपको क्या लगता है उत्पादन जो है गेहूं का यूपी में घट रहा है बढ़ रहा है इस साल कितना? इस साल जो सरकार के वाजिब दाम जो किसान ने भारत सरकार ने घोषित किया है, वो एक जो है रेट को देखते हुए, मतलब किसानों को तो ये लग रहा कि हमारा का वाजिब दाम कम है।